अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? मेरे पति को वापस नहीं दिलाओगी? मुझे मेरा रवि चाहिए, समझे? तुम्हारी गलतियों का पछतावा होना ही ये साबित करता है कि तुम्हारे अंदर अच्छाई की आग होती है। आज से तुम्हारी अच्छाई का सफर शुरू होता है। बस अब दोबारा बुराई का दम मत थाम लेना, वरना जिंदगी दोबारा सुधरने का मौका नहीं। जानती हूँ तो क्या सोच रहा है, तो देवयानी के बारे में सोच रहा है ना? मॉम मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप दिव्यानी जैसे धोखेबाज औरत का साथ कैसे दे सकती हैं। मॉम दिव्यानी जैसी औरत का साथ देना यानी किसी मुसीबत को दावत देना है मॉम, और आप तो जानती हैं दिव्यानी वही औरत है जो हमारे सारे परिवार को मारने की धमकी देती रही, हमें परेशान करती रही। आज भले उसे अपने बाप के मौत का सामना करना पड़ रहा है, आज तकदीर ने उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां एक समय में हमारा सारा परिवार खड़ा था, लेकिन इस बिना पर हम उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते। मॉम मैं जानता हूं ये वक्त उसके लिए बहुत दुख का है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि उसने हमारे परिवार को कितने दुख दिए हैं। मॉम आप मुझे बताइए, मॉम क्या आप पापा की मौत को भुला सकती हैं? उनकी मौत के पीछे की वजह कौन है क्या आप नहीं जानती मॉम? तो फिर कब तक हम देवयानी की गलतियों को माफ करते रहेंगे? मॉम मैं मानती हूँ देवयानी ने हमारे परिवार का सहारा छीना है, लेकिन इस वक्त उसे सहारे की जरूरत है, तो हम उसे बेसहारा तो नहीं कर सकते ना? उसे हमारे प्यार की जरूरत है बेटा, इस वक्त हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उसके मन में सही राह को अपनाने की उम्मीद जागी है, क्या हम उस उम्मीद को तोड़ दें और उसे उसे राह पे अकेला छोड़ दें? मॉम देवयानी सिर्फ दिखावा कर रही है, वो हमारी हमदर्दी हासिल करना चाहती है। मॉम वो जानती है कि उसका साथ देने वाला नामदेव चौहान तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो उसे हमारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो हमारा साथ चाहती है। मॉम लेकिन ये सब वो सिर्फ अपने लिए कर रही है और वो किसी नए मकसद को अंजाम देना चाहती है। और अगर देवयानी इस वक्त दिखावा कर रही है, झूठ रच रही है, तो वो हमारा नहीं बल्कि खुद का बुरा कर रही है। वो अच्छाई के राह को अपनाए या बुराई को, हार जीत जो भी होगी वो उसके अपने किस्मत की होगी, इस बात से वो वाकिफ है बेटा। आज मैंने देवयानी की आंखों में सच्चाई देखी है, पहली बार मैंने सच्चाई को महसूस किया है। भले ही हमारा परिवार दुख से गुजरा हो, तकलीफ से गुजरा हो, लेकिन आज उसे तकलीफ है बेटा, वो मुश्किल में है। देवयानी के साथ ये सब करके उसकी बदले की भावना को हम दोहरा रहे हैं। नहीं बेटा, कुछ गलतियों को माफ करने में भलाई होती है, तुम भी उसे माफ कर दो, उसे हमारे सहारे की जरूरत है, माफ कर दो। जानता हूं सुनैना, इस घर को छोड़कर जाना, मुझसे दूर जाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है।
मैं समझ सकता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में आज भी मेरे लिए बहुत हमदर्दी है। इसी बात का तो मुझे फायदा उठाना होगा। अब नामदेव तो मेरे रास्ते से हट चुका है, लेकिन अगर तुम भी मेरे रास्ते से चली गई तो मेरे लिए अपने मकसद तक पहुंचने का आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझसे दूर जाने के लिए तुम्हें रोकने का यही सही मौका है सुनैना, और मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। सर, लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। देखो सुनैना, इनकार मत करना, तुम नहीं जानते जिंदगी में दूसरी दफा मैं किसी के लिए को तोहफा लेके आया हूँ, वो भी तेरे से। दूसरी बार? हाँ, दूसरी दफा। पहली दफा मैं तोहफा लाया था अपनी संजना के लिए, संजना के लिए। कितना खुश था मैं उस दिन, कितना खुश। लेकिन संजना, उसे तो मेरा प्यार ही कबूल नहीं, तो फिर मेरा तोहफा कहां से कबूल करती। बस मेरी एक वही इच्छा, मेरी एक याद बनकर रह गई। लेकिन सुनैना, तुम मेरे लिए खास हो। सुनैना, तुमने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मेरे साथ मेरा कोई भी नहीं था। तन्हा था मैं, एकदम तन्हा। संजना भी मुझे आपाइश को छोड़कर चली गई और तन्हा रह गया। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया और आज तक ही रही हो। अगर सच पूछो तो, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं कभी अपनी जिंदगी से हार मान चुका होता। मैं तो टूट ही चुका था। तुमने मुझे वापस खड़ा किया अपने कदमों पर। तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर, बहुत। पर जैसा मेरा नसीब वैसा मुझे मिला। लेकिन सुनैना, जो बदलाव तुम मेरी जिंदगी में लेकर आई हो मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है। ये तोहफा उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सर, मैं ये कैसे कबूल कर सकती हूं? प्लीज सुनैना, कर मत करना। देखो, तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर, और ये बात सच है कि मैं उन एहसानों को कभी उतार नहीं पाऊंगा। लेकिन ये तोहफा लेकर मुझ पर एक एहसान कर दो प्लीज, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज। थैंक्स सर, मुझे ये तोहफा
जिंदगी भर याद रहेगा। यही तो चाहता हूं मैं सुनैना, कि तुम गलती से भी मुझे भूलने की भूल मत करना। अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी बातें जितनी याद रहें उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा सुनैना। राज के बाबू की सच्चाई के बारे में बताना चाहिए, उससे बात करती हूँ। नहीं, इस वक्त राज को बाबा की सच्चाई नहीं बतानी चाहिए मुझे, राज परेशान हो जाएगा। वैसे भी राज ने कहा है कि वो बहुत जल्दी लौटने वाला है, मुझे राज के वापस लौटने का इंतजार करना चाहिए। अभी राज को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। नामदेव एक नाना हुआ अपराधी था जिसकी तलाश पुलिस को बहुत पहले से थी। अगर वो खबर मैंने ना पढ़ी होती तो शायद बाबा की असलियत का अंदाजा कभी नहीं लगा पाती मैं। कितने दिनों तक बाबा हमारे यहाँ रहे हमसे ये कहकर कि इस दुनिया में उनका अपना कोई नहीं है, हमसे हमदर्दी हासिल करके पुलिस से बचने के लिए उन्हें हमारा घर अपने गैर कानूनी धंधे तो वो हमारे इस घर में रहकर भी कर रहे हैं। कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अगर ऐसा है तो पुलिस हमें भी तो गुनहगार समझेगी। पुलिस को तो यही लगेगा ना कि बाबा के किए गुनाह में हम भी उनके हिस्सेदार रहे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या जवाब देंगे हम पुलिस को? मेरी सिचुएशन कैसे संभालूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी उस समय। तेरी कहानी।
डिनर के लिए क्या कह दिया कि मुझे इतना इंतजार करवा रही है, बेवजह इतना खुश हो गई। मैंने आज तक कभी किसी का इतना इंतजार नहीं किया। ना जाने अपने डैड की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। सुने ना, देर हो रही है, जल्दी आ जाओ प्लीज। सर बस आई। सुने, नौकरी देने नहीं होते तो इश्तेहार क्यों देते हो? अरे बोलो ना, ऑफिस बंद हो गया, तुम साहब से नहीं मिल सकते, कल आना। अब जाओ यहाँ से। कल आऊंगा तो भी ये बोलोगे कि कल आना कल आना। अरे दो मिनट की बात है, मिलने दो ना। एक बार का बोला समझ में नहीं आता क्या? सलाम साहब। इतनी आवाज क्यों हो रही है? क्या करूँ साहब, ये आदमी आपसे मिलना चाहता है और पिछले 4 घंटे से यहाँ बैठा है। आप बिजी थे इसलिए मैंने इसे अंदर नहीं भेजा साहब। ठीक है तुम जाओ। जी साहब। क्या बात है? सर मेरा नाम जगजीत है, मुझे आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए। ऑफिस बंद हो चुका है, कल आना। राइट सर। सर 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 एक मिनट। सर मैंने बहुत काम किया है, मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर। ये देखिए, इससे पहले मैंने यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम किया।